हाँ बच्चों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए अभी आज हम बॉटनी में कृषि बॉटनी कृषि एग्रीकल्चर इंटर एग्रीकल्चर की मैं फर्स्ट ईयर में बॉटनी में ये जो तुम्हारा संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम बताने जा रहे हैं। संयुक्त असीमाची बच्चों, अभी तक हमने जो पुष्पक्रम का पाठ पढ़ा रहा हूं, अभी पिछली कक्षाओं में हमने पुष्पक्रम के बारे में बताया था। पुष्पक्रम दो प्रकार से मुख्य रूप से होता है, असीमाची और ससीमाची। असीमाची ससीमाची मिश्रित और विशेष प्रकार के चार प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। इसमें से असीमाची पुष्पक्रम कल हमने पढ़ाया था, और चूंकि असीमाची पुष्पक्रम काफी बड़ा है इसीलिए साधारण असीमाची तो हमने कल पढ़ा दिया था, क्योंकि असीमाची दो प्रकार का होता है, एक सरल असीमाची पुष्पक्रम और दूसरा संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम। तो सरल असीमाची पुष्पक्रम तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम आज उसके बारे में बता रहे हैं। संयुक्त असीमाच्छ उसको क्रम। असीमाच्छ को क्या कहते हैं? असीमाच्छ को हम रेसिमोस कहते हैं। असीमाच्छ को हम रेसिमोस कहते हैं और ससीमाच्छ को साइमोस कहते हैं। दिवेश जरा इसमें उठा लो। ससीमाच्छी को साइमोस कहते हैं, तो रेसिमोस और साइमोस उसमें डाल दो जरा। तो संयुक्त असीमाची मतलब कंपाउंड, संयुक्त असीमाची मतलब हो गया तुम्हारा कंपाउंड रेसिमोस, कंपाउंड रेसिमोस, कंपाउंड रेसिमोस, ये संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम है। अब संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है? ये तुम्हारा संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम पांच प्रकार का होता है। एक संयुक्त असीमा पांच प्रकार, पहला है असीमाच्छों का असीमाच्छ या संयुक्त असीमाच्छ। पहला क्या है? असीमाच्छों का असीमाच्छ, असीमाच्छों का असीमाच्छ, असीमाच्छों का असीमाच्छ, या इसको संयुक्त असीमाच्छ कहते हैं, संयुक्त असीमाच्छ। तो पहला तुम्हारा, दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारा संयुक्त सूखी या अनुसूखियों का सूखी। दूसरा है अनुसूखियों का सूखी, अनुसूखियों का सूखी, अनुसूखियों का सूखी, यह इसको संयुक्त सूखी कहेंगे, संयुक्त सूखी कहेंगे, कंपाउंड संयुक्त सूखी। तो सूखी हो गया। ये तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा है तुम्हारा संयुक्त स्थूल मजरी, संयुक्त स्थूल मजरी, संयुक्त स्थूल मजरी, मंजरी, मंजरी होती, यह इसको कंपाउंड स्पैडिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड स्पैडिक्स, कंपाउंड स्पैडिक्स कहेंगे। तीसरा है तुम्हारा संयुक्त समसिक, संयुक्त समसिक, चौथा संयुक्त समसिक, समसिक को क्या कहते हैं? कोरिम कहते हैं, संयुक्त समसिक। पांचवा क्या है? संयुक्त छत्रक, संयुक्त छत्रक, पुष्प छत्र, संयुक्त पुष्प छत्र, या इसको संयुक्त अम्बल कहें, कंपाउंड अम्बल कहेंगे, संयुक्त पुष्प छत्र। अब ये तुम्हारा संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम कितने प्रकार का है? पांच प्रकार का है। अब इसमें पांचों प्रकार में देखिए, वन बाय वन जरा इसको देखिए आप।
अब पहला क्या है, असीमार्थ का असीमार्थ। पहला क्या है, असीमार्थों का असीमार्थ। जैसे इसमें क्या होता है, ये पुष्पावली व्रंथ है, पुष्पावली व्रंथ पे ये पुष्प न लग करके, इस पर भी ये पुष्पावली व्रंथ ही लगी, इस पर भी ये पुष्पावली व्रंथ ही लगी है। नीचे की पुष्पावली व्रंथ बड़ी, ऊपर की पुष्पावली व्रंथ छोटी। और जैसे असीमाची पुष्पक्रम में, साधारण असीमाची पुष्पक्रम में जैसे पुष्प लगे होते हैं में पुष्पावली व्रंथ पे, वैसे ही इस संयुक्त असीमाची पुष्पक्रम में पुष्पों की जगह पर पुष्पावली व्रंथ, पुष्पावली व्रंथियां लगी होती। एक पुष्पावली व्रंथ ये सबसे बड़ी, दूसरी पुष्पावली व्रंथ ये उससे छोटी, तीसरी पुष्पावली व्रंथ उससे छोटी। ऐसे इधर एक दो तीन। अब इन पुष्पावली व्रंथियों पर, नंबर एक नंबर दो तीन, जो तीन पुष्पावली व्रंथियां हैं, इन पर पुष्प लगे होंगे किस क्रम में, साधारण असीमाच क्रम। साधारण असीमाच क्रम, नीचे का पुष्प बड़ा पुराना, ऊपर का पुष्प क्रमशः छोटा और नया। तो ये तुम्हारा इस पर जो है पुष्प लगे, तो इसको क्या कहते हैं, असीमाच्छों का असीमाच्छ। और इसको पूरे पुष्प क्रम को, इस पूरे पुष्प क्रम को पेनिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिकल। पेनिकल मतलब क्या होता है,